power on. You have plugged into Nirvana. Jordan. You are now connected to Boats Down 650. चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज हम लोग रिसेप्टर को पढ़ेंगे, साथ में सिनेप्सिस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे टाइम रहा तो। दूसरा हमारा जो पहला चैप्टर प्रोटोकॉल का है वो है कार्पल टनल सिंड्रोम, आजकल काफ़ी देखा जा रहा है दोस्तों, और आपके लिए गोल्डन चांस है जादू दिखाने का, क्योंकि इसके जादू बहुत जल्दी देखने को मिल जाते हैं। क्योंकि सिंड्रोम है, काफ़ी डॉक्टर से ये कहता है कि सिंड्रोम है तो एकाएक क्योर नहीं होता, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये सिंड्रोम है लेकिन इलेक्ट्रोमोपैथ डॉक्टर्स इसको बहुत इजी वे में क्योर करते हैं दोस्तों। कार्पल टनल सिंड्रोम सिंपली अगर किसी पेशेंट को नंबनेस होती है, टिंगलिंग सेंसेशन होता है, बहुत ज़्यादा वीकनेस फीलिंग होती है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ पर होती है, इस हैंड के रीजन पर, पर्टिकुलर ये हैंड के रीजन पर आपको फीलिंग होती है। क्यों? क्योंकि रिस्ट में मीडियन नर्व जो होती है, ये आपकी स्पेशल जब आप रेडियल और रेडियल नर्व के लेवल पर आप यहाँ पर ऑब्जर्वेशन करते हो दोस्तों, यहीं पर बीच में एक सेंटर में नर्व होती है जिसको मीडियन नर्व कहते हैं, उस मीडियन नर्व के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। अब मीडियन नर्व में प्रेशर होता तो याद रखना दोस्तों, एनाल्जेसिक बूस्टर ड्रॉप को भूलना मत आप, एनाल्जेसिक बूस्टर ड्रॉप इज अ पावरफुल इम्पैक्ट वहाँ पर दिखाएगा, इसलिए याद रखना मीडियन नर्व या सेवरल टेंडन्स जो वहाँ पर फोर आर्म से हमारे हैंड पर एक स्मॉल स्पेस जिसे हम कार्पल टनल कहते हैं दोस्तों उसके माध्यम से रन करता है, यानी यहाँ पर एक बहुत छोटी सी जैसे आपके बैक साइड में पॉपुलेटर फोसा होता है, यहाँ पर आपको याद रखना क्यूबॉइडल फोसा होता है, ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा टनल होता है, उस टनल के लेवल पर आपके पर्टिकुलर रेडियस की तरफ दोस्तों वहां पर एक नर्व नजर आती है, उसमें से बीच में से कई टेंडन्स होते हैं, कई नर्व्स गुजरती है, उसमें मीडियन नर्व गुजरती है, और कभी इस टनल के माध्यम से गुजरने के दौरान उस पर किसी भी पार्ट का प्रेशर क्रिएट होता है तो मीडियन नर्व दोस्तों थंब फर्स्ट ऑफ थ्री पहली जो तीन फिंगर होती है दोस्तों, ठीक है, आपके लिटिल फिंगर को छोड़ दो, इस लिटिल फिंगर को छोड़ दो तो पहली जो तीन फिंगर होती है दोस्तों, यानी ये तीन फिंगर, ठीक है, इनको यहाँ पर सप्लाई देती है, उनकी कंट्रोल, उनकी फीलिंग, ठीक है, उनको याद रखना कंट्रोल करती है, उनकी फीलिंग को कंट्रोल करती है, इसलिए याद रखना सबसे ज्यादा इफेक्ट इन तीन उंगलियों में नजर आता है, फर्स्ट थ्री फिंगर, थंब और फर्स्ट थ्री फिंगर। याद रखना जब भी पेशेंट बोलता है कि मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा वीकनेस नजर आ रही, बहुत ज्यादा पेन नजर आ रहा, ऐसा लग रहा कोई भारीपन लग रख दिया हो, ऐसा लग रहा है कि टिंगलिंग या नंबनेस हो रहा, सुन्न हो रहा मेरा हाथ, आपको डरने की जरूरत नहीं, कार्पल टनल सिंड्रोम में जब प्रोटोकॉल देखोगे तो मैंने तीन टाइप का प्रोटोकॉल आपको बता दिया कि तीनों अलग अलग कैरेक्टर में काम करेंगे, ये यूनिवर्सल प्रोटोकॉल है, किसी भी केस में दे दीजिए, C11RE D6 में या लिम्फोबूस्टर D6 और C11RE दे दीजिए, अल्टीमेट रिजल्ट आता है दोस्तों लिम्फोबूस्टर D6 C11RE का। क्यों आता है? कार्पल टनल सिंड्रोम को समझ जाओ आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। कैसे होगा? याद रखिए कार्पल टनल सिंड्रोम उत्पन्न होता है जब हेल्थ की कंडीशन और एक्टिविटी के कॉम्बिनेशन उत्पन्न होता है, यानी आपकी हेल्थ बिगड़ रही है, आप न्यूट्रिशन के लेवल पर ध्यान नहीं दे रहे हो, आपको नर्वाइन वीकनेस हो रही है, डिप्रेशन एंजाइटी आप उस लेवल पर जा रहे हो, और साथ में दोस्तों आपकी एक्टिविटी रिड्यूस हो रही है, और उस एक्टिविटी के रिड्यूस हो जाने के कारण ये उत्पन्न हो रहा है दोस्तों, यानी जो मीडियन नर्व प्रेशर डालता है वो सारे स्पेस यहाँ पर डेवलप हो गए, जैसे कि वृष के कंट्रोल टनल के माध्यम से पूरे पास्ट होते हैं, इसी टनल के माध्यम से पूरा कंट्रोल सिस्टम होता है नर्व के माध्यम से मसल्स का, और इसी प्रेशर के कारण वहाँ पर टिपिकल सिम्टम्स सामने आते हैं, जिसे भी कारण से मतलब आप जिस भी कारण से आप वहाँ पर देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पर कार्पल टनल में स्पेस जो होता है, अगर वहाँ पर किसी भी अमाउंट में कहीं पर भी, मतलब ऐसा नहीं कि सब दब गए, यहाँ दब गए, कहीं पर भी दोस्तों, जब कार्पल टनल में उस स्पेस में किसी भी अमाउंट में डिक्रीज होता है, स्पेस कम होती है, वहां पर टनल में टिश्यू की अमाउंट इंक्रीज हो जाएगी। अब जब टिश्यू की अमाउंट इंक्रीज हो जाएगी तो ये मीडियन नर्व की सेंसिटिविटी होती है उसको बढ़ा देगी, इंक्रीज कर देगी, और इसी के कारण कंपल्स
कार्पल टनल सिंड्रोम डेवलप होता है, यानी उस स्पेस में नर्व के लिए जितनी जगह छोड़ी थी वो नर्व की जगह भी टिश्यू ले रहा है, और टिश्यू ले रहा है तो वो नर्व के ऊपर कंप्रेस करेगा, प्रेशर करेगा, ये मेन रीजन होता है कार्पल टनल सिंड्रोम का। तो यही कारण है जब कार्पल टनल सिंड्रोम डेवलप होता है तो यूजुअली ग्रेजुअली डेवलप होता है, यानी धीरे धीरे डेवलप होता है, एकाएक नहीं हो जाएगा। जो पहला सिम्टम होता है प्राय थंब में नंबनेस आना, टिंगलिंग आना, ठीक है, इंडेक्स मिडिल फिंगर में भी ये सिम्टम वन बाय वन आना शुरू करता है, और इसके कारण रिस्ट और हैंड में पाम का डिस्कम्फर्ट, यहाँ पर इस रीजन में पाम के लेवल पर डिस्कम्फर्ट फीलिंग होना शुरू होता है दोस्तों। यूजुअली थंब, इंडेक्स, मिडिल या रिंग फिंगर इसमें अफेक्टेड होती है, थंब फर्स्ट, मिडिल और रिंग फिंगर, ये सबसे पहले यहाँ पर अफेक्टेड होती है दोस्तों। लेकिन याद रखिएगा जब ये लिटिल फिंगर के लेवल पर जाएगा तो लिटिल फिंगर इससे अफेक्टेड नहीं होती, क्योंकि उसका सर्कुलेशन दूसरी तरफ होता है। कभी कभी इन फिंगर में इलेक्ट्रिक शॉक के जैसा सेंसेशन फील होता है, आप जब वजन उठाएंगे या किसी भी चीज का आपने हेवी वर्क कर लिया तो ऐसा लगेगा यहाँ से यहाँ तक कोई इलेक्ट्रिक शॉक लग गया आपको, एकदम झटका लगे जा रहा है, ये क्या हो रहा, पेन का एकदम रिवर्सल कैरेक्टर आपको नजर आएगा, बहुत ज्यादा हाइपर सेंसिटिव इंक्रीज होते हुए नजर आएगी दोस्तों। और यही कारण है दोस्तों हैंड में नंबनेस के कारण थंब में लगातार पिंचिंग मसल्स की वीकनेस हो जाती है। जो पिंचिंग आप करते हो ना, न्यू पेंस करके आप पिंचिंग करते हो ना, इस पिंचिंग मसल्स की जो है इतनी वीकनेस हो जाएगी क्योंकि उसको स्टिमुलेशन नहीं मिलेगा, न्यूरोलॉजिकल सप्लाई नहीं मिलेगी। इसके कारण मीडियन नर्व के द्वारा जो कंट्रोल होता है वो यहाँ पर फेल हो जाएगा, और जब ये कंडीशन डेवलप होगी तब कार्पल टनल सिंड्रोम डेवलप होगा। तो याद रखिए मीडियन नर्व जब कार्पल टनल के माध्यम से पर्टिकुलर वहां पर किसी भी प्रकार का कोई सर्कुलेशन जाता है, उस सर्कुलेशन में मीडियन नर्व के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, उसकी स्पेस रिड्यूस होगी टिश्यू के द्वारा, वो कार्पल टनल सिंड्रोम को डेवलप करेगा प्रेशर के कारण। इन्वेस्टिगेशन कैसे कराओगे, सिंपल सा है दोस्तों, फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान जब मीडियम नर्व के ऊपर आप टैपिंग करते हो, ठीक है, रिस्ट में पेन रिस्ट से हैंड तक होना शुरू हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों टीनेल्स साइंस, TINELS, टीनेल्स साइंस कहते हैं दोस्तों। यदि रिस्ट को फॉरवर्ड बेंडिंग किया जाए, रिस्ट को फॉरवर्ड ऊपर की तरफ बेंडिंग किया जाए दोस्तों, तो सभी तरह से ये 60 सेकंड तक अगर रखते हैं आप दोस्तों, यूजली इस 60 सेकंड रखने के कारण आप देखिएगा दोस्तों आपको नंबनेस, टिंगलिंग, वीकनेस वहां पर डेफिनेटली डेवलप हो जाएगी, और इसे हम पेशेंट्स की टेस्ट करते हैं दोस्तों। और इसीलिए ओपिनियन के हिसाब से इस टेस्ट की वैल्यूज टीनेल साइंस और स्पेशली फेलन साइंस के रूप में वहां पर डिफर होती है दोस्तों, इसको डायग्नोस किया जाता है, डेफिनेटली इसको अलग किया जाता है। यदि कोई पैरालिटिक इफेक्ट होगा तो फेलन साइन मिलेगा, लेकिन अगर वहां पर आपका कार्पल टनल सिंड्रोम है तो आपको दोस्तों टीनेल साइंस आपको वहां पर, ये सब साइंटिस्ट हैं, सब डॉक्टर्स हैं जिन्होंने प्रैक्टिकल अप्रोच करके अपने प्रैक्टिकल को सामने रखा है और उन्हीं के नाम से इनको रख दिया गया है दोस्तों। स्पेशली अगर प्रोटोकॉल की बात करोगे, इलेक्ट्रोमायोग्राफी या नर्व कंडक्शन वेलोसिटी फॉर्म की जाती है दोस्तों, कि नर्व की कंडक्शन वेलोसिटी कैसी है, इसको एक पर्टिकुलर कंप्यूटर से वहां पर पूरे नर्व एंडिंग को जोड़ करके कंप्यूटर से देखा जाता है, और वहां पर देखा जाता है कि नर्व का कंडक्शन कहां पर जाकर ब्लॉक हो रहा है, उस पार्ट को स्टिमुलेट किया जाता है, और उस पार्ट के स्टिमुलेशन के कारण धीरे धीरे वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है। लेकिन मॉडर्न साइंस में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, वो केवल और केवल फिजियोथेरेपी और पर्टिकुलरली कुछ पेन किलर्स के माध्यम से उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोमायोग्राफी में विद इन 2 or 3 months, 2 से 3 महीने के अंदर कार्पल टनल सिंड्रोम करेक्ट हो रहा है दोस्तों। C11 आरी लिम्फो बूस्टर D6 C11 आरी बहुत ब्रिलियंट काम है, जब वहां पर टिश्यू का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है वेस्ट मटेरियल के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि वो उसकी स्पेस में पहले नहीं था, बाद में बना, इसलिए उस टिश्यू स्पेस को रिड्यूस करना है तो वहां पर आपको दोस्तों लिम्फो बूस्टर का प्रयोग करना पड़ेगा, प्यूरिफाई करना उस जगह को। तो C11 आरी यानी A2S5C5L1 और आरी, अगर इसका आप वहां पर सहयोग करते हो तो देखो कितना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट आपको नजर आता है। S5F2 आरी, ठीक है, S5F2RE अल्टरनेट C5L1Y, जब आप ये D6 में दोगे तो मैक्सिमम कैरेक्टर रिलैक्स हो जाएगा, यहाँ पर आप स्टिमुलेट कर रहे हो फंक्शन को, यहाँ स्ट्रक्चर को आप रिलैक्स कर रहे हो, ठीक है, याद रखना दोस्तों। बहुत तेजी से इनके कोऑर्डिनेशन में होमियोस्टेसिस वहाँ बैलेंस होगा, जो डेवलपमेंट हो रहा कम होगा, जो सेंसिटिवनेस हो रही ज्यादा हो रही है वो कम होगी, और इस प्रोसेस के माध्यम से आप उसको नॉर्मलाइज कर लो।
कभी कभी क्या होता है, मिनरल्स की कमी हो जाती है और मिनरल्स की कमी, न्यूट्रिशन की कमी के कारण वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है. S5C4A2W D6 में चला दीजिएगा, आप देखिएगा पेशेंट, यानी नेगेटिव है चलाइए, सिंपल सी बात है. और अगर आपको इमीडिएट रिजल्ट देखना है तो S5C4W का 10,000 देखिएगा. S5C4W का 10,000, तीन डोज आज दिया, 10 दिन बाद दिया, फिर 10 दिन बाद दिया, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रोटोकॉल चला दो, आपका काम हो गया. A2F2S5 आ रही है, सिंपल सा आपके पास तो ऑयल बना हुआ है, आप वहां पर एक्सटर्नल अप्लाई करा लो, एनाल्जेसिक D4 को अप्लाई करा दो आप, और साथ में एनाल्जेसिक न्यूरो बूस्टर वाला, जो एनाल्जेसिक बूस्टर मैंने बताया आपको दोस्तों, जिसमें WERE यूज किया है, WG की जगह RE यूज किया है, उस प्रोटोकॉल को आप चला देना, शानदार रिजल्ट आपको टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिल जाएंगे. ठीक है, तो ये कार्पल टनल सिंड्रोम है दोस्तों, जो आप जितने भी डीप में जाएंगे उतनी डीप में आपको बहुत सारे कैरेक्टर निकल के आते हैं सामने, उनमें से एक कैरेक्टर मैंने आपको बताया है जिसको कार्पल टनल सिंड्रोम के रूप में आप देख रहे हो दोस्तों. तो ये था हमारा पहला चैप्टर. दूसरे चैप्टर की बात करते हैं दोस्तों, स्पेसिफिक है हमारे लिए रिस्पॉन्स टू इंक्रीज इन स्ट्रेंथ स्टिमुलस. जब आप रिसेप्टर की बात करते हो और पूरी बॉडी में आप किसी भी लेवल पर स्टिमुलस को स्ट्रेक करना चाहते हो, उसको बढ़ाना चाहते हो, तो आपकी बॉडी में कैसे रिसेप्टर का स्टिमुलेशन होता है, अगर आप ये समझ गए तो हार्ट का स्टिमुलेशन, लंग्स का स्टिमुलेशन, ब्रेन का स्टिमुलेशन, हम कहते हैं कि हमारी मेडिसिन पॉजिटिव में स्टिमुलेट करती है, तो आप समझ जाओगे कि क्या कर रहे हो. अगर आपको नेगेटिव में जाकर उसको रोकना है तो आपको समझ में आना चाहिए कि यही मेडिसिन नेगेटिव में दिया तो क्यों रुक गया. ठीक है, याद रखना दोस्तों, एक रिसेप्टर के स्टिमुलेशन के दौरान यदि रिसेप्टर के द्वारा प्रदान करने वाला रिस्पॉन्स डबल हो जाए, ठीक है, बॉडी तो दे रही है रिस्पॉन्स, लेकिन आप मेडिसिन के साथ भी रिस्पॉन्स वहां दे रहे हो, तो आपके बॉडी का रिस्पॉन्स, भाई बॉडी कम कर रही है, जब तो हम दे रहे हैं है ना, लेकिन दे तो रही है, स्टिमुलेशन दे रही है लेकिन कम दे रही है. अगर आपने उस रिस्पॉन्स को डबल कर दिया तो क्या होगा, स्टिमुलस की जो स्ट्रेंथ होती है 100 टाइम इंक्रीज हो जाएगी, और जब 100 टाइम इंक्रीज हो जाएगी, ये फिनोमेना वेबर फेंचर लॉ, वेबर फेंचनर लॉ के नाम से जाना जाता है दोस्तों, जिन्होंने ये अपने साइंटिस्ट वे में बताया कि एक रिसेप्टर को रिस्पॉन्स सेंसेशन की इंटेंसिटी स्टिमुलस की इंटेंसिटी के लॉगरिथमिक के लेवल पर इंक्रीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. यानी वो जितनी लंबाई में वहां पर स्ट्रेंथ दिया गया उसको, वो अगर इतना दिया गया तो इसके डबल कर लो आप, डायरेक्टली उसके डबल प्रोपोर्शनल वहां पर नजर आएगी दोस्तों. यानी जितना तेज स्ट्रेंथ दोगे, जितना पावर की स्ट्रेंथ दोगे, उतनी ही पावर का स्ट्रेंथ वहां पर डबल आपको दोस्तों देखने को मिलेगा, क्योंकि आपकी बॉडी भी स्टिमुलेट कर रही है, कोशिश कर रही है आपकी बॉडी. इसीलिए दोस्तों यहाँ पर आपको ये चीजें देखने को मिलती है. लेकिन जब आप यहाँ पर छोटी छोटी चीजों को समझते हो तो आपको ये समझना है कि एक्सोसेप्टर्स क्या कहलाते हैं, ठीक है, और एक्सोसेप्टर्स के माध्यम से जब आप यहाँ पर दे रहे हो तो वो कैसे दे रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी में कौन से रिसेप्टर कहाँ पर कैसे काम कर रहे हैं. ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, जब एक्सोसेप्टर्स की बात करोगे तो यहाँ पर डेविएशन ऑफ वेबनर फेचनर लॉ, वेबनर फेचनर ने कुछ लॉ को प्रोवाइड किया था, ठीक है, जहां पर R मतलब केलॉग्स, R मतलब इंटेंसिटी ऑफ रिस्पॉन्स, K मतलब कांस्टेंट, और S मतलब इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, कितना स्टिमुलस आपने किया है दोस्तों, उसके ऊपर ये सब डिपेंड करता है. लेकिन मैं आपको केवल सिंपल सा, ज्यादा डिटेल में आपको नहीं बताना चाहता हूँ, मैं आपको सीधा बताना चाहता हूँ एक्सट्रोसेप्टर क्या होता है, आपको याद रखने की जरूरत है दोस्तों. आपने कई जगह पर सुना होगा कि ये क्यूटेनियस रिसेप्टर है, कई जगह सुना होगा ये कीमो रिसेप्टर है, कई जगह सुना होगा ये टेली रिसेप्टर है, ठीक है, टेली रिसेप्टर. कोई व्यक्ति आप ध्यान रखते हो ना कि यार ये माइंड पढ़ लेता है, याद है आपको, है ना, याद रखना दोस्तों. अलग अलग बात करते हैं, क्यूटेनियस रिसेप्टर की बात करते हैं, आप आपकी बॉडी पे देख रहे हो टच का रिसेप्टर है ना, टच का रिसेप्टर मैंने बताया था मीजनर कार्पसल्स एंड मर्केल डिस्क, ये आपके टच के रिसेप्टर होते हैं. प्रेशर रिसेप्टर जो पेसिनियन कार्पसल बताया था, ये प्रेशर के रिसेप्टर होते हैं. क्रॉस इंड बल्ब, ये कोल्ड का रिसेप्टर होता है. रफिनी इंड ऑर्गन, ये वार्म्थ का रिसेप्टर होता है. फ्री नर्व एंडिंग जिसको हम नॉन रिसेप्टर कहते हैं दोस्तों, ये पेन का रिसेप्टर होता है. तो फिर कीमो रिसेप्टर का नाम आपने सुना है,
कीमो रिसेप्टर क्या होता है आपको सब पता है दोस्तों, केवल समझने की काम करो आप, ठीक है। कीमो रिसेप्टर का मतलब होता है टेस्ट, स्मेल, ठीक है। ये कीमो रिसेप्टर होते हैं जो केमिकल्स के आधार पर काम करते हैं। टेस्ट बड्स आपका टेस्ट के लेवल पर काम करती है। स्मेल ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर आपका ऑल्फेक्शन का काम करता है, ठीक है। और टेली रिसेप्टर क्या हो गया, विजन एंड हियरिंग, ये टेली रिसेप्टर है दोस्तों। अब टेली रिसेप्टर है विजन के माध्यम से रोड्स और कॉन्स जो रेटिना में होती है वो एक्टिव होती है और उसी का कारण डीएक्टिव भी होती है, ठीक है। रॉड्स एंड कॉन सेल्स इन रेटिना। तीसरा होता है हियरिंग, हेयर सेल्स इन ऑर्गन ऑफ कोर्टाई, आपके हियर में जो ऑर्गन ऑफ कोर्टाई के लेवल पर जो हेयर सेल्स होती है वो इन्हीं नर्वस सिस्टम के माध्यम से हियरिंग की टेंडेंसी को जनरेट करती है। अब आप मुझे बता दीजिए, इस सारे के सारे कैरेक्टर जो होता है नर्वस सिस्टम से जुड़े हुए, यदि आप पॉजिटिव दोगे तो न्यूट्रिशन मिलेगा नहीं मिलेगा आप डिसाइड कीजिए, अगर वही मेडिसिन आप नेगेटिव दोगे इन ऑर्गन्स के लेवल पर नेगेटिव के माध्यम से, ज्यादा डोज नहीं देना, केवल स्टिमुलेट करना है, स्टिमुलेट कर दिया तो जो वहां पर उसका जो फंक्शन होता है वो बैलेंस हो जाएगा, ये काम आपको करना है। अगर आप रिपीटेड करते गए वो नेगेटिव में चला जाएगा, पूरा नेगेटिव हो जाएगा दोस्तों, इसलिए हमें नेगेटिव नहीं करना, हमें वहां पर जो लोकल से जनरल जा चुकी है जो कंडीशन उसको बैलेंस करना है। इसलिए हमने दो से तीन कैरेक्टर देकर जो लोकल से जनरल हो गई है उसको बैलेंस की तरफ मोड़ दिया, इधर न्यूट्रिशन से नेगेटिव चले गए, ठीक है। आपने लड़ने की शक्ति भी दे दी और साथ में वहां पर न्यूट्रिशन भी दे दिया और आगे जाकर आपने देखा कि आपने हाई पोटेंसी मेडिसिन दोहराई है, आपका प्रोटोकॉल बहुत अच्छे से काम करने लग गया। ये सारा जो फिलोसॉफिकल पॉइंट होता है यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, याद रखना दोस्तों। इसीलिए जब आप रिसेप्टर को ले आए, अब आप देखिए तो रिसेप्टर में सारा चीज स्टिमुलेस हो गया, अब हम बात करते हैं सेंसरी ट्रांसडक्शन, यानी वहां पर सेंसरी लेवल पर कोई सेंसेशन आया, कोई इंपल्स आया, वो कैसे यहाँ पर ट्रांसड्यूट हो रहा है दोस्तों, वो आपको यहाँ पर पता करना है, ठीक है। वो आपको बहुत सारी चीजें आपको जब आप प्रोटोकॉल्स में समझने की कोशिश करते हैं, सारे प्रोटोकॉल्स आपके सामने लेकर आ रहा हूँ दोस्तों। एक रिसेप्टर में सेंसरी ट्रांसडक्शन वो प्रोसेस होती है दोस्तों जिसके द्वारा एनवायरमेंट में जितना भी स्टिमुलस एनर्जी है वो नर्व फाइबर में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जिसको हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं दोस्तों उसमें कन्वर्ट होती है। याद रखना, कोई भी स्टिमुलस आया एनवायरमेंट से आया, वो एनर्जी लेकर आया, वो नर्व फाइबर में एनर्जी छोड़ रहा है और नर्व फाइबर में वो एनर्जी किस रूप में जा रही है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में जा रही है, और वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में गई तो वो वहाँ एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, वो एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई, इसे ही हम ट्रांसडक्शन कहते हैं दोस्तों, यानी कन्वर्शन ऑफ वन फॉर्म एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। एक फॉर्म में एनर्जी आ रही है वो दूसरे फॉर्म की एनर्जी में कन्वर्ट होकर एक नर्व इंपल्स से दूसरे नर्व इंपल्स के लेवल पर, एक नर्व से दूसरे नर्व के लेवल पर ट्रांसडक्ट होती है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है, वो सेंसरी ट्रांसडक्शन कहलाता है। फिट हो गया माइंड में, ठीक है। याद रखना, जब आप किसी भी बॉडी के एक रिसेप्टर को स्टिमुलेट करते हैं तो ये रिस्पॉन्स आपको प्रदान होता है, यानी आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट की इंफॉर्मेशन को सेंडिंग के द्वारा कर रहे होते हो। याद रखना इस वर्ड को, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ये रिस्पॉन्स तब प्रदान होता है जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलस की इंफॉर्मेशन को सेंडिंग के द्वारा आप कर रहे होते हो दोस्तों, यानी इस फंक्शन को कैरी करने के लिए आपको इवेंट्स की एक सीरीज बनाने पड़ेगी, जैसे रिसेप्टर सेल में रिसेप्टर पोटेंशियल का डेवलपमेंट करना पड़ेगा और सेंसरी नर्व में एक्शन पोटेंशियल का डेवलपमेंट करना पड़ेगा, ये दोनों चीज आपको साथ में करना पड़ेगा। यानी आप एक मेडिसिन से उसको स्टिमुलेट कर रहे हो, एक मेडिसिन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्टिमुलेशन की इंफॉर्मेशन को डाल रहे हो कि मैं न्यूट्रिशन देकर यहाँ पर इस पूरी प्रोसेस को रोकने की कोशिश कर रही हूँ, आप जब तक इस पूरे पर्टिकुलर जो यहाँ पर फिनोमेना हो रहा है इसमें कोई चीज आगे ना बढ़े, इसलिए आप वहां पर अपना परफॉर्मेंस करें, आपकी बॉडी में आपको इस डिजीज को बढ़ने से रोकना पड़ेगा। और जब ये पूरी प्रोसेस होती है तो रिसेप्टर सेल में रिसेप्टर पोटेंशियल का डेवलपमेंट और सेंसरी नर्वों में दोस्तों एक्शन पोटेंशियल का डेवलपमेंट होता है जो सेंसेशन क्रिएट करता है, जिसके कारण वहां पर जितने भी फंक्शन होते हैं वो वहां पर टिपिकली स्टिमुलेट हो जाते हैं, और इसी स्टिमुलेशन के कारण आप देखते हो बड़े से बड़े फंक्शन को हम नॉर्मलाइज कर देते हैं दोस्तों। अगर ऐसा नहीं होता,
अगर ऐसा नहीं होता तो हम जितने भी बड़े बड़े फंक्शंस को यूज कर रहे हैं, जितने बड़े बड़े प्रोटोकॉल्स यूज कर रहे हैं, वो काम ही नहीं करते दोस्तों। ठीक है, वो काम ही नहीं करते, लेकिन हम काम करा रहे हैं ना, इसलिए आपको याद रखना है दोस्तों। जब सेंसरी ट्रांसडक्शन वरीज होता है, अलग होता है, तो ध्यान रखना दोस्तों, जो रिसेप्टर के टाइप के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कीमो रिसेप्टर, सेंसरी फाइबर में केमिकल एनर्जी को एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, जो कीमो रिसेप्टर होते हैं, सेंसरी नर्व फाइबर में जितनी भी केमिकल जो वहां पर ट्रांसमिट कर रहे हो आप, उन केमिकल एनर्जी को एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करने का काम करता है। जबकि टच रिसेप्टर क्या करेगा दोस्तों, आपको बताएं, टच रिसेप्टर सेंसरी नर्व फाइबर में मैकेनिकल एनर्जी को एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करने का काम करेगा। यानी आपने टच किया, आपने इसको उठा दिया, ठीक है, आपने कहा मुझे बाल डालना है, ठीक है, आपने ये प्रोसेस की, ये आपके मैकेनिकल एनर्जी को एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है। इसीलिए ये सारी चीजें आपको टेबल प्रैक्टिस में पता होना चाहिए। अगर पता होगी तभी आपको सारी प्रोसेसेस देखने को मिलेगी, समझने को मिलेगी। इसलिए जो रिसेप्टर पोटेंशियल होता है दोस्तों, याद रखना, रिसेप्टर पोटेंशियल एक नॉन प्रोपोगेटेड ट्रांस मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिफरेंसेस होता है दोस्तों। ठीक है, नॉन प्रोपोगेटेड, आप उसका प्रोपोगंडा क्रिएट नहीं कर रहे हो। ठीक है, वो मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांस मेम्ब्रेनस पोटेंशियल डिफरेंसेस होता है। यानी इस साइड क्या है, इस साइड क्या है, इधर का प्रेशर ज्यादा है, इधर का कम है, इधर का ज्यादा है, इधर का कम है, क्या है, ये चीजें होती है जो जब एक रिसेप्टर के स्टिमुलस से वहां पर डेवलप होता है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं जनरेटर पोटेंशियल। ठीक है, इसको बोलते हैं जनरेटर पोटेंशियल। और इसीलिए याद रखना, रिसेप्टर पोटेंशियल एक शॉर्ट लाइफ होता है, और इसीलिए इसे ट्रांसिएंट रिसेप्टर पोटेंशियल भी कहते हैं। यानी कोई भी आपका रिसेप्टर पोटेंशियल होगा, वो उस जगह पर किसी भी चीज का स्टिमुलस लाएगा तो वो शॉर्ट लाइफ होगा, उसके स्टिमुलस की जितनी स्ट्रेंथ उसको देना वो दे देगा, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए रिसेप्टर पोटेंशियल शॉर्ट लाइफ होता है, और इसीलिए इसे ट्रांसिएंट रिसेप्टर पोटेंशियल के नाम से जाना जाता है, याद रख लेना दूसरों का। इसलिए जितने भी रिसेप्टर पोटेंशियल एक्शन पोटेंशियल नहीं होते, याद रखना, जितने भी रिसेप्टर पोटेंशियल होते हैं वो एक्शन पोटेंशियल नहीं होते, ये एक ग्रेडेड पोटेंशियल होता है दोस्तों, जो केवल स्टिमुलेट करने का काम करता है। ठीक है, ये सिनेप्सी इंड प्लेट पोटेंशियल इन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और नर्व फाइबर में इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल में एक एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल के सिमिलर होता है। यानी जब सिनेप्सी में देखोगे दोस्तों, तो वहां पर जब कैरेक्टर देखते हो, ठीक है, यहाँ पर ये दो नर्व फाइबर है, उनके बीच में केमिकल्स है, केमिकल्स के बीच में ये सिनेप्सिस हो रही है, और सिनेप्सिस में ये प्राइमरी, ये पोस्ट न्यूरॉन है। ठीक है, याद रखिएगा, जब इनमें एक्शन पोटेंशियल डेवलप होगा तो सबसे पहले यहाँ पर ये पूरी प्रोसेस जनरेट होती है, जिससे रिसेप्टर पोटेंशियल होता है। यानी यहाँ पर पूरा रिसेप्शन होगा, और रिसेप्शन होकर यहाँ से जितना भी केमिकल्स होते हैं, यहाँ पर जितने पोर्स होते हैं, उन पोर्स के माध्यम से इन केमिकल ट्रांसमीटर्स के लेवल पर आता है, और केमिकल ट्रांसमीटर से दोस्तों दूसरे न्यूरॉन के लेवल पर जाता है। लेकिन वो जाता भी अलग अलग मैकेनिज्म से, कौन कौन से अलग मैकेनिज्म हम बात करते हैं, लेकिन याद रखिएगा, जो इंड प्लेट पोटेंशियल होता है, जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और नर्व फाइबर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल होते हैं, उसमें केवल एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल के प्राइमरी होता है, याद रखना, बिल्कुल सिमिलर होता ही है। यहाँ पर ये प्राइमरी है, ये पोस्ट सिनेप्टिक है, ठीक है, याद रखना, इसके बिल्कुल सिमिलर यहाँ पर होता है, लेकिन ये यहाँ पर केवल इलेक्ट्रोकेमिकल ट्रांसमिशन के माध्यम से होता है। इसलिए जब आप रिसेप्शन किसी भी प्रकार का स्टिमुलस को रिसेप्ट करते हो, प्राप्त करते हो, तो याद रखना उसकी प्रॉपर्टी क्या है, वो क्या चाहता है, प्रॉपर्टी ऑफ रिसेप्टर पोटेंशियल। रिसेप्टर पोटेंशियल केवल दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रखता है दोस्तों, ऐसे तो बहुत है लेकिन दो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेप्टर पोटेंशियल नॉन प्रोपोगेटेड होता है, ये प्रोपोगंडा क्रिएट नहीं करता कि नहीं मैं हमेशा यही लाऊंगा, यही लाऊंगा, यही लाऊंगा, हर बार उसका रिसेप्शन का स्टिमुलस अलग अलग चीजों के लिए होता है।
इसलिए ये रिसेप्टर के स्वयं के अंदर दोस्तों सीमाबंद होता है, कन्फाइंड होता है, यानी एक प्रकार में, एक बार में एक ही प्रकार का स्टिमुलस लेकर आता है, इसलिए ये कंफाइंड होता है, हर बार स्पेसिफिक होता है, एक जैसा पोटेंशियल नहीं लाता, याद रखना, इसीलिए ये रिसेप्टर पोटेंशियल नॉन प्रोपेगेटेड होता है और ये रिसेप्टर स्वयं के अंदर दोस्तों सीमाबंद होता है, कन्फाइंड होता है, याद रखना दोस्तों। दूसरा, ये ऑल और नल लॉ को ओबे नहीं करता है, याद रख लेना। यहां पर जब रिसेप्टर पोटेंशियल की आप प्रॉपर्टी करोगे तो ऑल और नल लॉ क्या कहता है, एक ही तरफ आपको या तो सर्कुलेशन जाएगा या जाएगा ही नहीं, ठीक है, लेकिन ये ऑल और नल लॉ को ओबे नहीं करता, इसलिए नहीं करता कि रिसेप्टर पोटेंशियल इधर भी जाता है, रिटर्न भी आता है, इधर भी जाता है, इधर भी आता है, ठीक है, इसीलिए रिसेप्टर पोटेंशियल इन दोनों चीजों में विशेष तौर से जाना जाता है। अगर ये दो चीजें आपको पता है ना, आप आगे देखिए, एक एक चीज आपको निकल के आएगी कि आप सेंसरी और मोटर के जो चेंजेस देखते हो वो कैसे देख रहे हो आप, ठीक है। इस रिसेप्टर पोटेंशियल का सिग्निफिकेंट क्या है आपके नर्वस सिस्टम में, क्यों मैं आपको ये बता रहा हूँ, याद रखिएगा, जब रिसेप्टर पोटेंशियल सफिशियंटली स्ट्रांग होगा, यानी कहीं पर कोई स्टिमुलस आपने डाला और रिसेप्टर बहुत स्ट्रांग है, तब जब मैग्नीट्यूड 10 MB होता है, 10 MB होता है, और इसी के कारण सेंसरी नर्व में एक्शन पोटेंशियल का डेवलपमेंट पॉज होता है, इसलिए याद रखना, सेंसरी नर्व में एक्शन पोटेंशियल का डेवलपमेंट पॉज होता है, याद रख लीजिएगा, इसी के कारण सेंसरी नर्व में एक्शन पोटेंशियल का डेवलपमेंट पॉज होता है। यही कारण है दोस्तों, जब आप रिसेप्टर पोटेंशियल के डेवलपमेंट का मैकेनिज्म देख रहे हो, ठीक है, रिसेप्टर पोटेंशियल के डेवलपमेंट का मैकेनिज्म देख रहे हो तो बहुत सारी चीजें निकल के आएगी दोस्तों आपको। कैसे निकल के आएगी, जनरली जितने भी पेसिनियन का अपसल होते हैं, ठीक है, हमने देखा था, ठीक है, जब पेसिनियन का अपसल का यूज रिसेप्टर पोटेंशियल की स्टडी के लिए किया जाता है, सबसे सिंपल है, इसलिए बहुत आसानी से उसमें स्टडी हो जाती है कि भाई ये एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट हो रहा है, रिसेप्टर पोटेंशियल कैसे जनरेट हो रहा है, क्यों, क्योंकि इसकी लार्ज साइज होती है, इसका एनाटॉमिकली कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हो दोस्तों, इन ये कार्पसल आसानी से एड्रेस्ड हो जाते हैं, ठीक है, आसानी से बन सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, और इसीलिए एक्सपेरिमेंटल जितने भी एनल्स है उनकी मेजेंट्री में जाकर, उनके आंखों के लेवल पर जो मेजेंट्री होती है उस मेजेंट्री में जाकर आसानी के साथ इसको डेवलप किया जा सकता है। यानी पेसिनियन कार्पसल दोस्तों मैकेनिको रिसेप्टर होते हैं जो किसी भी प्रेशर और किसी भी वाइब्रेशन को रिस्पॉन्स प्रदान कर देते हैं, याद रख लेना, किसी भी प्रकार का प्रेशर दो, किसी भी प्रकार का वाइब्रेशन कर दो, तुरंत रिस्पांस दे देते हैं, इसीलिए याद रखना पेसिनियन कार्पसल्स का जो स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर स्पेशली आपको देखने को मिलता है, यानी पेसिनियन कार्पसल्स स्किन की डीपर लेयर में सिचुएटेड होता है, याद रख लेना, पेसिनियन कार्पसल्स स्किन की डीपर लेयर में सिचुएटेड होता है, और कुछ कार्पसल्स जो जॉइंट के लेवल पर आप जानेंगे, जॉइंट को वहां पर सराउंडिंग करने वाले जो टिश्यूज होते हैं उसमें जाकर सिचुएटेड रहता है, जैसे कि फेशिया ओवर द मसल्स, ठीक है, टेंडन्स, जितने भी टेंडन्स होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स के जो कार्पसल्स होते हैं वो पेसिनियन कार्पसल्स से इस टिश्यू में सिचुएटेड रहता है। तो दोस्तों याद रखना, जॉइंट की पोजीशन को डिटरमिन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि आपके जॉइंट्स में प्रॉपर पोजीशन है कि नहीं, एक हथौड़े को लेकर ठोकते हैं, जितने भी ऑर्थोपेडिक सर्जन है, जब वहां पर आपका पूरा सेंसेशन होता है तो आपका मूवमेंट होता है पांव का, और उसी मूवमेंट के आधार पर बता देते हैं कि पेसिनियन कार्पसल्स यहां पर बहुत ब्रिलियंटली काम करते हैं, इसलिए याद रखना पेसिनियन कार्पसल्स एक स्मॉल ओनियन शेप्ड, ठीक है, ओनियन क्या होता है, प्याज शेप्ड स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, प्रत्येक कार्पल अप्रोक्सीमेटली शेप में ओवल सिलेंड्रिकल होता है, जो लेंथ हमें 1 mm के लगभग मेजर होता है, ये कार्पसल्स के द्वारा कवर्ड रहता है, उसके ऊपर एक कवरिंग होती है जो कि 20 से 60 कनेक्टिव टिश्यू के कनेक्टिव लेमेली के द्वारा फॉर्म होती है, एक धागे नुमा स्ट्रक्चर होता है दोस्तों। लेमेला स्वयं में एक थीन फ्लैट लेयर होता है, ठीक है, एक पतला लेयर होता है, और ये पेरिफेरी पर एपिथेलियल सेल्स के साथ और डीपर पार्ट में मॉडिफाइड जो स्वान सेल्स होती है उसके साथ ये कनेक्ट होता है, याद रख लेना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बता रहा हूँ। कार्पसल्स के सेंटर में एक सिंगल अनमायलिनेटेड अफरेंट सेंसरी नर्व फाइबर प्रेजेंट होता है, ये क्या करता है, जो भी चीज आ रही है ना उस सेंसेशन को अडॉप्ट कर रहा है, और ये अनमायलिनेटेड नर्व टिप कार्पसल्स के थ्रू सेंटर कोर फाइबर के जैसे एक्सटेंड होता है, बाहर की तरफ निकला होता है,
और इस कैप्सल के जो कॉन्सेंट्रिक लेयर होती है नर्व के कोर फाइबर को सराउंड करती है, जो भी मेन फाइबर है ना कोर फाइबर, उस फाइबर को ये सराउंड किए हुए रहती है दोस्तों। इसीलिए याद रखना पेसिनियन प्रेशर स्टिमुलस के रिस्पांस प्रदान करता है, कोई भी प्रेशर इफेक्ट आया तुरंत पेसिनियस कॉर्प सेल्स उसको वहां पर रिस्पांस प्रदान कर देगा। जब प्रेशर स्टिमुलस अप्लाइड होता है, बार बार अप्लाइड होता है, पेसिनियस कॉर्प सेल्स कंप्रेस्ड होता है दोस्तों, और इस कंप्रेशन के कारण कॉर्प सेल के शेप में चेंज, जो उसका शेप होगा वो चेंज हो जाएगा, इलॉन्गेटेड हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, और इसी कारण से कॉर्प सेल के शेप में चेंज होने के कारण कॉर्प सेल के जो सेंटर कोर फाइबर का जो होता है डिफॉर्मेशन को लीड करता है, उसका डिफॉर्मेशन होता है, और इसी के कारण मैकेनिकली गेटेड सोडियम चैनल जो होता है ओपन हो जाता है, और मेडिकेट जब सोडियम चैनल ओपन होगा तो इसीलिए दोस्तों पॉजिटिव चार्ज सोडियम आयन कोर फाइबर के इंटीरियर में एंटर कर जाता है, सोडियम अंदर चला जाएगा, और यही कारण है एक माइल्ड डिपोलराइजेशन को प्रोड्यूस करता है जिसके आप रिसेप्टर पोटेंशियल करते हैं। याद रख लेना कहीं भी नर्व के इंडी के लेवल पर कोई जब सेंसेशन आया तो वहां पर सोडियम अंदर की तरफ जाएगा, वो सोडियम आयन जब अंदर जाएगा तो एक माइल्ड डिपोलराइजेशन डेवलप होता है, ठीक है, और डिपोलराइजेशन डेवलप होगा तो डायरेक्टली आपको याद रखना है कि ये एक प्रकार से एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर गया, ये वहां पर टिपिकली स्टिमुलेशन को स्टिमुलेट कर गया, और जब ये स्टिमुलेशन स्टिमुलेट हुआ आपका पूरा प्रोटोकॉल सेट हो जाता है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। याद रखिएगा जब नर्व फाइबर का एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन होता है तो रिसेप्टर पोटेंशियल के कारण दोस्तों करंट फ्लो जो वहां पर हो रहा है करंट फ्लो का लोकल सर्किट का डेवलपमेंट पास करता है, उस समय जो करंट फ्लो वहां पर हो रहा है उसका लोकल सर्किट वहां पर डेवलप हो जाएगा उस नर्व फाइबर के द्वारा, और ये कॉप्सल्स के अंदर जो नर्व फाइबर होता है उसका जो अनमाइलिनेटेड पार्ट होता है उसके साथ साथ स्प्रेड होता है, जो अनमाइलिनेटेड फाइबर होते हैं उसके साथ साथ ये वहां पर कंटिन्यू होता है, और जब करंट पहुंचता है लोकल सर्किट कॉप्सल के अंदर फर्स्ट नोड ऑफ रेनवियर तक पहुंचेगा दोस्तों, जैसे ही फर्स्ट नोड ऑफ रेनवियर, तो नोड ऑफ रेनवियर क्या करता है एक्शन पोटेंशियल को जंप कराता रहता है, ठीक है, फर्स्ट नोड ऑफ रेनवियर तक पहुंचता है तो इसके कारण वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल की ओपनिंग कास हो जाएगी, और जब वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन होगा सोडियम आयन की इंट्रेंस नर्व फाइबर के अंदर हो जाएगी, और जो सोडियम फाइबर वहां पर इंटर कर जाएगा तो ये क्या करेगा दोस्तों, इसके कारण नर्व फाइबर में एक्शन पोटेंशियल का डेवलपमेंट। ये पूरी सिंपल प्रोसेस है जो मैंने आपको बताई दोस्तों, ठीक है, और इसी के कारण पूरा इसी प्रकार से नर्व के अंदर सोडियम का जाना, नर्व इंपल्सेस का जनरेट होना, एक्शन पोटेंशियल का डेवलपमेंट होना सोडियम के अंदर जाने के कारण होता है, याद रख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन जब आपको टेस्ट करा रहे हो यूरिन में सोडियम बाहर जा रहा है, बहुत ज्यादा जा रहा है, पेशेंट आकर बोलता है साहब मुझे बहुत वीकनेस हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे काम नहीं करना, समझ रहे हो क्या हो रहा है ना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ छोटी छोटी चीजों को समझते चले जाओ, अगर समझते चले जाओगे आपसे परफेक्ट कोई हो जाए तो मुझे बता दे, ठीक है। याद रखना दोस्तों लॉ ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है, ठीक है, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है दोस्तों लॉ ऑफ प्रोजेक्शन की, किस चीज को आप कैसे प्रोजेक्ट कर रहे हो, ठीक है। आजकल तो मीडिया बहुत स्ट्रांग है, पिक्चर बनती है उसका मीडिया में डाल दिया जाता है प्रीव्यू, ऐसा है वैसा जबरदस्त, भले वो बेकार मूवी हो प्रीव्यू डाल दिया आपको बिल्कुल लगता है हाँ यार देखना चाहिए, देख के आता सिर पीट लेता रहे यार, चार घंटे में मेहनत किया होता तो 10-20 हजार रुपए कमा लेता, यहाँ मैंने 1000-2000 खर्चे कर दिए, ठीक है। जब एक सेंसरी पाथवे रिसेप्टर से आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स के लिए स्टिमुलेटेड होता है इसी कोर्स के साथ साथ किसी भी पर्टिकुलर साइट पर स्टिमुलेशन के द्वारा का सेंसेशन हमेशा रिसेप्टर के लोकेशन पर रिफर्ड होता है, जहां पर रिसेप्टर है उस जगह से स्टिमुलेशन अगर होगा तो एक सेंसरी पाथवे जब रिसेप्टर लेकर आपके ब्रेन की तरफ जाएगा तो जहां से रिसेप्टर का सेंसेशन शुरू हुआ वहां पर आपको फेल्ट होता है, यानी मैं आपको यहाँ पर मारा तो ब्रेन में थोड़ी फील होगा, है ना, आपके जहां मारा वहां फील हुआ, और जैसे ही मारा सेंसरी पाथवे से आपके ब्रेन को सेरिब्रल कॉर्टेक्स को मैसेज चला गया कि हाँ साहब यहाँ पर कुछ हो रहा है, ठीक है, आपके ब्रेन में फील करना शुरू किया हाँ यार यहाँ पर कुछ हो रहा है, इस फिनोमिना को दोस्तों लॉ ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं, लॉ ऑफ प्रोजेक्शन, यानी आप कहाँ पर सेंसेशन डेवलप हो रहा है उससे आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक सेंसेशन जा रहा है ये लॉ ऑफ प्रोजेक्शन कहलाता है, जिसके माध्यम से एक सेंटर पॉइंट से आपके ब्रेन तक ये मैसेज फैलाया जाता है और उसी के कारण रिस्पॉन्स होकर आपके बॉडी में सारे फंक्शंस डेवलप होते हैं।
यदि सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जो सोमेस्थेटिक एरिया होता है दोस्तों, जो कि लेफ्ट हैंड से सेंसेशन को रिसीव करता है, याद रखना लेफ्ट हैंड से सेंसेशन को रिसीव करता है, वो स्टिमुलेटेड होता है दोस्तों, तो सेंसेशन हेड में ना फेल्ट होकर लेफ्ट हैंड में फेल्ट, याद रख लेना इस बात को, ठीक है। लेफ्ट हैंड से सेंसेशन को रिसीव कर रहा है वो स्टिमुलेटेड होता है, और अगर स्टिमुलेटेड हुआ तो याद रखना सेंसेशन हेड में नहीं फील होगा, सेंसेशन आपको लेफ्ट हैंड में फील होता है, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड में मैंने जंपिंग किया है, इसलिए ये सेंसेशन यहां से ब्रेन में जरूर जा रहा है लेकिन ब्रेन में फील नहीं होता, ब्रेन में जहां से सेंसेशन जा रहा है वहां फील होता है, इसको हम लॉ ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। कई बार मिसिंग लिंब होती है, आप देखते हो ना फाइटन लिंब जिसको कहते हैं, मान लो किसी व्यक्ति का आपने एम्पुटेट कर दिया, सड़ा हुआ पार्ट था उसको आपने काट दिया, और काटने के बाद मैं देखा पेशेंट के द्वारा जो सेंसेशन का कंप्लेन करते हैं, ठीक है, ये बहुत बड़ा बेस्ट एग्जांपल होता है दोस्तों, वो सेंसेशन को वहां पर फेल्ट करते हैं और वो कंप्लेन करते हैं। लॉ ऑफ प्रोजेक्शन का सबसे बड़ा उदाहरण बता रहा हूँ दोस्तों, मान लो यदि एक लेग को आपने एम्पुटेट किया तो कटिंग स्कार फॉर्मेशन के साथ साथ वहां पर हील तो हो जाएगा, लेकिन नर्व फाइबर का कटिंग स्कार के अंदर क्या होगा, मर्ज हो जाएगा, यानी वहां से नर्व एंडिंग उसी स्कार टिश्यू के अंदर पूरा कनेक्ट होकर वही हील हो जाएगा, ठीक है। यदि सेंसरी फाइबर का कटिंग थाई की मूवमेंट के दौरान स्टिमुलेट हो गया तो क्या होगा, पेशेंट फील करता है वहां पर कि यार यहाँ पर कुछ सेंसेशन हो रहा, यदि सेंसेशन नॉन एक्सिस्टेंट लेग से ओरिजिनेट होता है, यानी जो कटा हुआ है वहां से ओरिजिनेट होता है, ठीक है, तो कभी कभी पेशेंट को नॉन एग्जिस्टेंट लिंब में पेनफुल फीलिंग होती है, ठीक है, वहां पर उसको बहुत ज्यादा पेनफुल फीलिंग होती है, और इसी प्रकार के पेन को फैंटम लिंब पेन कहते हैं, याद रखना फैंटम लिंब पेन के नाम से जाना जाता है, यानी आपका वो पार्ट जो कटा हुआ है वहां पर अगर स्टिमुलेशन होता है और अगर ब्रेन तक जाता है और तो ब्रेन में नहीं महसूस होगा, उस पर्टिकुलर कटे हुए पार्ट में जहां सेंसेशन आगे बढ़ नहीं रहा लेकिन उस पार्ट तक तो जा रहा है ना जहां पर नर्व का कटिंग है, और इसीलिए वहां पर आपको पेन फीलिंग होता है, दैट इज द कॉज, ठीक है। आपको मैंने पिन चुभाई तो पिन ब्रेन में नहीं लगेगी, जहां पर आपको जिस पार्ट में चुभाई है वहां का सेंसेशन रिसेप्टर करकर एक्शन पोटेंशियल करके ब्रेन को पहुंचाएगा, ब्रेन कहेगा हाँ साहब यहाँ पर सुई चुभी हुई है, आप देखो कैसे चुभी है, ठीक है, तो ब्रेन वहां पर पेन जनरेट करता है, वो पेन के जो कैरेक्टर डेवलप होता है फंटॉन लिम्ब पेन के नाम से जाने जाते हैं, जो एम्पुटेट लेग्स के लेवल पर आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों। ये पूरा टिपिकल कैरेक्टर से जो आपको पता होना चाहिए, जिसके बारे में आपको जानना चाहिए, ये सिंपल सा प्रोटोकॉल्स हैं जो मैं आपको बताया दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं हम दोस्तों सिनेप्सी की। ठीक है, सिंपल रफ डायग्राम है दोस्तों, ये सोमा है यानी कि सेंट्रल नर्व फाइबर का बॉडी, सेल बॉडी, एक्सॉन है, ये डेंड्रॉइड्स है, ठीक है, इन डेंड्रॉइड से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रॉइड से ये एक्सॉन कनेक्ट हो रहा है, याद रखना दोस्तों सिनेप्सी क्या होता है, और अगर आप सिनेप्सिस को समझ गए ना, एनाटॉमिकल और फंक्शनल दोनों कैरेक्टर समझ गए, तो आपको मुझे बोलने की जरूरत नहीं होगा, आप बड़े से बड़े प्रोटोकॉल को ऐसे चुटकी बजाते करेक्ट कर सकते हो। अगर आपने सिनेप्सिस बनाना सीख लिया, केमिकल ट्रांसमिटर कराना सीख लिया, एक्शन पोटेंशियल को वन पार्ट टू अनदर पार्ट पर, इसीलिए मैंने इतना डिटेल पढ़ाया भाई, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, याद रखना सिनेप्सी वो जंक्शन होता है दोस्तों जो दो न्यूरॉन्स के बीच में पाया जाता है, ठीक है, एक न्यूरॉन दो न्यूरॉन, इन दोनों न्यूरॉन के बीच में जो जंक्शन पाया जाता है वो सिनेप्सिस कहलाता है, जिसके माध्यम से नर्व इंपल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पास किया जाता है, याद रखना सिनेप्सिस वो जंक्शन होता है जो दो न्यूरॉन के बीच में पाया जाता है, और इसके माध्यम से नर्व इंपल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पास किया जाता है, ये एक एनाटॉमिकल कंटिन्यूएशन नहीं होता है, याद रख लेना ये एक
एनाटॉमिकल कंटिन्यूशन नहीं होता है, यानी परमानेंट नहीं होता है, एनाटॉमिकल कंटिन्यूशन नहीं होता, किंतु ये केवल एक फिजियोलॉजिकल कंटिन्यू, याद रख लेना इस एक वर्ड को, ये एनाटॉमिकल कंटिन्यूशन नहीं होता है किंतु ये केवल एक फिजियोलॉजिकल कंटिन्यूटी होती है जो दो नर्व सेल के बीच होती है, याद रख लेना इस बात को, यानी ये नर्व सेल फंक्शन के लिए जुड़े हुए हैं और फंक्शन के लिए वहां पर लगातार एक दूसरे के नर्व इंपल्स सेंसेशन इफ्रेंड हो या अफ्रेंड हो, मोटर हो या सेंसरी हो, उनके माध्यम से बॉडी को रेगुलर कराने के लिए वहां पर सिनेप्सिस का महत्व देखा जाता है, यानी नर्व सेल्स के बीच में केवल एक फिजियोलॉजिकल कंटिन्यूटी के रूप में होते हैं, एनाटॉमिकली नहीं होते हैं, याद रख लेना इस बात को, और यही कारण है जब एनाटॉमिकली हो रहे हैं तो बात अलग हो जाती, लेकिन यहाँ तो फिजियोलॉजिकली हो रहे हैं, इसलिए याद रख लेना प्रोटोकॉल जब आप सिलेक्ट करते हो दोस्तों सेंसेशन के लेवल पर। कई लोगों ने मुझे कहा सर आप नर्व का डैमेज है और आप बात करते हो कि आप C3 और C5 नहीं दे रहे हो, मैंने कहा पॉजिटिव में देना न्यूट्रिशन देना तो फंक्शनल आपको देखना पड़ेगा बिकॉज ये फिजियोलॉजिकली होता है, याद रख लेना प्रोटोकॉल सिलेक्ट करना यहीं से सीख जाना नर्व के लेवल पर, क्योंकि जो आपके सिनेप्सिस होती है दो न्यूरॉन के बीच में उसमें एनाटॉमिकल जंक्शन नहीं होता है, पॉइंट को नोट कर लेना, इसीलिए आप जो पैरालिसिस में ट्रीटमेंट करते हो आप इसी बात को ध्यान में रख के करते हो, आप प्रोटोकॉल में S5 और C3 शामिल करते हो, समझ में आ रहा, S5 और C3 शामिल करते हो क्योंकि सेंसेशन का लॉस है लेकिन फंक्शन का लॉस पहले क्योंकि ये फिजियोलॉजिकल है, और फिजियोलॉजिकली है तो मोटर नर्व का सेंसेशन पहले देना पड़ेगा उसके बाद सेंसरी नर्व का आपको, तो S5 C3 ऐड कर दो दोनों काम एक साथ हो रहे हैं आपके, इसलिए याद रखना ये एनाटॉमिकल कंटिन्यूशन नहीं होता है फिजियोलॉजिकल कंटिन्यूशन होता है, इसीलिए क्लासिफिकेशन जब सिनेप्सी का करते हो दो मेथड के द्वारा आप वहां पर क्लासिफाइड करते हो, पहले ये देखते हो कि चलो ठीक है एनाटॉमिकल क्या है यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर है, एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन आप करते हो ठीक है, अब एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन करोगे तो वो कैसे करोगे आप, और जब फंक्शनल करोगे दोस्तों तो फंक्शनल क्लासिफिकेशन कैसे करोगे, ठीक है भाई नर्व है आपने कहा ये नर्व इससे जुड़ी हुई है, मैंने डायग्राम बना के भी बता दिया ऐसे जुड़ रही है ठीक है, लेकिन जब आप टेबल प्रैक्टिस में आप किसी मरे हुए व्यक्ति का आप वहां पर पूरा एनाटॉमिकल डिसेक्शन करते हो तब आपको नजर आता है कि नहीं एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन ऐसे किया जाता है, ये नर्व यहाँ से जुड़ी कौन सा पार्ट जुड़ेगा क्यों जुड़ेगा ये एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन, फंक्शनल जब काम कर रहा है तो काम क्यों नहीं कर रहा है भाई, इसका हाथ ये काम क्यों नहीं कर रहा है, इसका पांव काम क्यों नहीं कर रहा, ब्रेन में क्लॉट है, ब्रेन में क्लॉट होने के कारण इसके हाथ पांव का क्या संबंध, हेमिप्लेजिया पैराप्लेजिया क्वाड्रोप्लेजिया ये क्या डेवलप हुआ है ना, अपर लिप पैरालिसिस लोअर लिप पैरालिसिस ऐसा क्यों हो रहा, भाई होना चाहिए तो पूरा पैरालाइज होना चाहिए लेकिन कुछ पैरालाइज पार्ट है कुछ नहीं है, क्योंकि जो पर्टिकुलर पार्ट आपके ब्रेन में है जिसका कॉन्टेक्ट जिस पार्ट से है ये एनाटॉमिकल कॉन्टेक्ट है, उस एनाटॉमिकल कॉन्टेक्ट में फिजियोलॉजिकल फंक्शन का अफेक्शन हो गया उसी के कारण वहां पर सिनेप्सिस फेल हुई और इसी के कारण वहां पर प्रॉब्लम डेवलप हुई, वो कैसे आप उसको कैसे बात करोगे समझने की कोशिश करना दोस्तों, यदि एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं दोस्तों यूजुअली सिनेप्सी एक न्यूरॉन एंडिंग यानी सेल बॉडी ठीक है, पर जो डेंड्राइट्स होती है या नेक्स्ट न्यूरॉन के जो एक्सॉन्स होते हैं उसके द्वारा फॉर्म होता है, ये एक्सॉन है और ये आपके सेल बॉडी की डेंड्राइट्स है, इन दोनों को मिलने से ये सिनेप्सी का निर्माण होता है, ये एनाटॉमिकली कहलाता है, डिपेंडिंग अपॉन द एंडिंग ऑफ एक्सॉन सिनेप्सी को तीन टाइप में क्लासिफाई किया जाता है, याद रखना दोस्तों डिपेंडिंग अपॉन एंडिंग ऑफ एक्सॉन, एक्सॉन की एंडिंग के अकॉर्डिंग दोस्तों वहां पर आपको ये बेसिकली देखना पड़ेगा, मैंने एक डायग्राम बनाया ठीक है, अब दूसरा डायग्राम आपको बताता हूं, यहां पर आप देख रहे हो सेल बॉडी है एक्सॉन आया डेंड्राइट से जुड़ रहा है करेक्ट, दूसरे में आप देख रहे हो दूसरे में देख रहे हो ये सेल बॉडी है ये एक्सॉन है ये एक्सॉन उसी के दूसरे एक्सॉन से वहां पर कनेक्ट हो रहा है ठीक है, दूसरे एक्सॉन से कनेक्ट हो रहा है, अब तीसरे लेवल पर जब आप जाओगे दोस्तों तो यहां पर देखोगे
यहां पर आप देख रहे हो डायरेक्टली जुड़ गया, ठीक है। एक आपका जो ये न्यूरॉन है, तीनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस देखो आप, यहाँ पर ये सेल बॉडी है, ये एक्सॉन है, ये दूसरे जो सेल बॉडी है उसके जो पर्टिकुलर इनर वेंडिंग्स होती है, एक्सॉन्स होता है, उससे डायरेक्ट जुड़ता है, ये क्या कहलाएगा, एक्सो एक्सोनिक सिनेप्सी। एक्सॉन का एक्सॉन के साथ जुड़ना एक्सो एक्सोनिक सिनेप्सी कहलाता है, ये एनाटॉमिकल कनेक्शंस है, ठीक है। यानी दो नर्व है, दो नर्व में से पहली नर्व का एक्सॉन दूसरे नर्व के एक्सॉन से जुड़ता है, वो एक्सो एक्सोनिक सिनेप्सी कहलाता है, ठीक है। दूसरा यहां पर एक्सॉन दूसरे मतलब एक नर्व सेल का एक्सॉन दूसरे नर्व सेल्स की डेंड्राइट के साथ जुड़ता है तो एक्सो डेंड्राइटिक सिनेप्सी कहलाता है दोस्तों। यानी एक्सॉन का डेंड्राइट के साथ कनेक्शन है, इसलिए ये एनाटॉमिकली एक्सो डेंड्राइटिक सिनेप्सी कहलाता है। लेकिन दूसरा होता है दोस्तों, जब किसी नर्व सेल का एक्सॉन डायरेक्ट उसकी सोमा से जुड़ जाता है, सेल बॉडी से जुड़ जाता है, तो एक्सो सोमेटिक सिनेप्सी कहलाता है, एक्सो सोमेटिक सिनेप्सी कहलाता है। ये तीनों एनाटॉमिकल कंटिन्यूएशन आपकी पूरी बॉडी में पाए जाते हैं, ठीक है। और कहां कहां स्पेशलिटी होती है, उन स्पेशलिटी फंक्शंस के लेवल पर पाए जाते हैं, इसलिए ये एनाटॉमिकल कनेक्शंस आपको जानना जरूरी है दोस्तों। याद रख लेना इन तीनों चीजों को, ये आपको बहुत ईमानदारी से बता रहा हूं, ये आपके टेबल प्रैक्टिस को चार चांद लगा देगा यदि एनाटॉमिकली बात करोगे। यानी एक्सोनिक सिनेप्सी क्या हुआ, इस प्रकार के न्यूरॉन में एक न्यूरॉन का एक्सॉन दूसरे न्यूरॉन के एक्सॉन पर टर्मिनेट होता है, उसको कहते हैं एक्सो एक्सोनिक सिनेप्सी, ये एनाटॉमिकल। दूसरा एक्सो डेंड्राइटिक सिनेप्सी क्या हुआ, एक न्यूरॉन का एक्सॉन दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट पर टर्मिनेट होता है, उसको एक्सो डेंड्राइटिक सिनेप्सी कहते हैं। तो तीसरा होता है यहां पर एक्सोसोमेटिक सिनेप्सी, यानी एक न्यूरॉन का एक्सॉन दूसरे न्यूरॉन की जो सोमा यानी सेल बॉडी पर इंड होता है उसको एक्सोसोमेटिक सिनेप्सी का नाम दिया जाता है। ये टोटल एनाटॉमिकल बैकग्राउंड है दोस्तों, ठीक है। दूसरी बात कर ले, फंक्शनल क्लासिफिकेशन क्या हुआ दोस्तों, इंपल्स क्लासिफिकेशन के जितना भी इंपल्सेस है उन इंपल्स के ट्रांसमिशन के मोड के बेसिस पर दोस्तों सिनेप्सी को फंक्शनल क्लासिफिकेशन के नाम से दिया जाता है, ठीक है। याद रखना दोस्तों, आपकी बॉडी में दो ही चीज होती है, एक इलेक्ट्रिकल होगा एक केमिकल होगा, याद रख लेना इस बात को, क्योंकि एक मिनरल्स के लेवल पर होगा एक केमिकल्स के लेवल पर होगा। तो इसके अकॉर्डिंग सिनेप्सिस को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है, एक इलेक्ट्रिकल सिनेप्सी होती है और एक केमिकल सिनेप्सी होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सिनेप्सी क्या और केमिकल सिनेप्सी क्या, यदि आप जनरली अगर इस चीज को देखोगे दोस्तों, सिनेप्सी वर्ड केमिकल सिनेप्सी को रिफर किया जाता है, इलेक्ट्रिकल को नहीं, ठीक है। याद रखना इलेक्ट्रिकल सिनेप्सी और केमिकल सिनेप्सी दो प्रकार की होती है, लेकिन जनरली मॉडर्न साइंस सिनेप्सी वर्ड जो होता है केमिकल सिनेप्सी को रिफर करता है, जो केमिकल आपके बॉडी में ट्रांसमिशन हो रहा है उस केमिकल ट्रांसमिशन को रिफर किया जाता है, इसलिए आपको ये बारीकी समझने की सीखने की जरूरत है दोस्तों। जब आप इलेक्ट्रिकल सिनेप्सी के लेवल पर जाओगे तो उसको भी समझ लो, क्योंकि ये आपकी टेबल प्रैक्टिस के लिए बहुत नेसेसरी है दोस्तों। इलेक्ट्रिकल सिनेप्सी वो सिनेप्सी होती है दोस्तों जिसमें दो न्यूरॉन्स के बीच में गैप जंक्शन के द्वारा, ठीक है, वहां पर प्री सिनेप्टिक और पे सिनेप्टिक न्यूरॉन के बीच फिजियोलॉजिकल कंटिन्यूटी प्रदान करते हैं। याद रखिएगा, इलेक्ट्रिकल सिनेप्सी वो सिनेप्सी होती है जिसमें दो न्यूरॉन के बीच गैप जंक्शन के द्वारा दोस्तों प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के बीच में फिजियोलॉजिकल कंटिन्यूटी प्रदान की जाती है। यहाँ पर आयन का डायरेक्ट एक्शन दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप जंक्शन होते हैं उस गैप जंक्शन के थ्रू वहां पर होता है, यानी कनेक्शन आपको यहाँ पर डायरेक्ट मिलता है। ठीक है, इन दो न्यूरॉन के बीच में ये गैप है, गैप जंक्शन, जैसे हमने सेल में गैप जंक्शन पढ़ा था, याद है,
इसका न्यूट्रिशन यहाँ पर आ रहा है, इसका न्यूट्रिशन यहाँ पर जा रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, दो न्यूरॉन के बीच गैप जंक्शन के थ्रू यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल के लेवल पर जो भी केमिकल्स होते हैं वहां पर ट्रांसमिट होता है। याद रखिएगा, इस रीजन के बीच में एक्शन पोटेंशियल जो प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन के टर्मिनल पोर्शन तक पहुंचता है, डायरेक्टली पोस्टसिनेप्टिक न्यूरॉन में एंटर कर जाता है। यानी यहाँ पर जो भी न्यूरॉन्स आपका जो भी न्यूरोट्रांसमीटर होंगे वो डायरेक्टली इस गैप जंक्शन के माध्यम से, ये प्री है, पहले जो जुड़ा है ये बाद में जुड़ा है, तो ये पहले वाले से बाद वाले में आसानी के साथ वहां पर डायरेक्टली इस टर्मिनल पोर्शन तक पहुंच जाते हैं, डायरेक्टली पोस्टसिनेप्टिक न्यूरॉन्स में एंटर कर जाते हैं, डायरेक्टली जाते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक सिनेप्सिस का इंपॉर्टेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सिनेप्सिस का इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट फीचर होता है, सिनेप्टिक डिले बहुत लेस होता है। यानी यहाँ पर जो सेंसेशन एक दूसरे से ट्रांसफर हो रहे हैं, इधर से आया जल्दी जल्दी दूसरे में ट्रांसफर हो गए, इनका जो डिले होता है, एक समय रुकने का जो होता है, रेस्ट का होता है, वो नहीं होता, फटाफट वहां पर ट्रांसफर होता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट फ्लो ऑफ कन्वर्ट वहां पर आपको देखने को मिलता है, डायरेक्ट फ्लो करेंट बोल सकते हो आप, डायरेक्ट फ्लो करंट वहां पर आपको देखने को मिलता है एक सिनेप्सिस से दूसरे सिनेप्सिस के जाने के लेवल पर। मोरेवर याद रखना, जब ऐसा सिस्टम है तो बॉडी में कहां पाया जाता है आपको पता होना चाहिए, अगर आपको पता नहीं है तो आप कहीं भी कोई काम अच्छी तरीके से नहीं कर सकते हो। लेकिन आपको अगर पता है तो मैं आपको चैलेंज करता हूं, अच्छे से अच्छे प्रोसेस को आप वहां पर जनरेट करा सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहां पर डायरेक्टली एक कनेक्शन आपको दिख रहा है और इस कनेक्शन के माध्यम से डायरेक्टली वहां से यहाँ सिग्नल आपके मॉलिक्यूल्स पास हो रहे हैं, याद रख लेना दोस्तों, है ना। और यही कारण है इंपल्सेस इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस के थ्रू आइदर एक डायरेक्शन में ही ट्रांसमिटेड होता है, वन वे डायरेक्शन होता है, यहाँ से आया तो यही जाएगा, याद रख लेना, और इसीलिए प्री सिनेप्टिक से पोस्ट सिनेप्टिक की तरफ जाता है। और इस प्रकार के इंपल्स ट्रांसमिशन को कुछ टिश्यूज में उत्पन्न होते हुए देखा जाता है, कहां पर, यदि आपको पता है कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स के फाइबर होते हैं ना वन वे कॉन्ट्रैक्शन में जाते हैं, स्मूथ मसल फाइबर ऑफ इंटेस्टाइन वन वे डायरेक्शन होता है, और आईज की लेंस में जो एपिथेलियल सेल्स होती है वन वे डायरेक्शन होता है, ठीक है। याद रख लेना, कार्डियक मसल्स, स्मूथ मसल फाइबर ऑफ इंटेस्टाइन और आपकी आई में लेंस की जो एपिथेलियल सेल्स होती है ये इसी इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के लेवल पर काम करती है, याद रख लेना आप, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। और आज का लास्ट पॉइंट देखते हैं हम दोस्तों, स्पेशली केमिकल सिनेप्सी, जो केमिकल सिनेप्सी होते हैं यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंसेस हो जाएगा दोस्तों। ये जो केमिकल्स होते हैं दोस्तों, केमिकल सिनेप्सी वो जंक्शन होता है जो नर्व फाइबर और एक मसल फाइबर, ठीक है, याद रखना, एक नर्व फाइबर और एक मसल फाइबर, इसलिए बता रहा हूँ ये आपको समझ में आना चाहिए, S5C3 में क्यों यूज कर रहा हूँ। केमिकल सिनेप्सी वो जंक्शन होता है जो नर्व फाइबर में एक मसल्स, ठीक है, एक मसल फाइबर और दो नर्व फाइबर के बीच होता है, एक मसल फाइबर और दो नर्व फाइबर के बीच होता है, याद रख लेना दोस्तों, जिसके माध्यम से जितने भी सिग्नल्स होते हैं केमिकल ट्रांसमीटर के रिलीज के द्वारा वहां पर ट्रांसमिटर होते हैं। तो यहाँ पर जो नर्व फाइबर दो क्यों है, क्योंकि दो नर्व से वहां पर न्यूरो ट्रांसमीटर निकलेंगे, तब वहां पर एक के बाद एक स्टिमुलेशन होगा और इसी के कारण केमिकल ट्रांसमीटर के रिलीज के द्वारा ये ट्रांसमिशन होगा। इसीलिए केमिकल सिनेप्सिस में दो न्यूरॉन्स के बीच में कंटिन्यूटी नहीं होती है, आगे पीछे होते हैं, और इसीलिए क्योंकि इनके बीच में एक स्पेस का प्रेजेंस होता है, एक स्पेस होती है इनके बीच में, क्यों, क्योंकि इनके बीच में जब एक स्पेस का प्रेजेंस होगा जिसे दो न्यूरॉन के बीच में सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। ये दो न्यूरॉन है, इनके बीच में जो स्पेस है, इस स्पेस को आप टिपिकली बोलते हो दोस्तों सिनेप्टिक क्लेफ्ट। इसमें डायरेक्ट कंटिन्यूशन है, ठीक है, और यहाँ पर ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट है जिसमें यहाँ पर न्यूरोट्रांसमिट वहां पर गिर रहे हैं, मौजूद होते हैं नर्व एंडिंग्स में, वो सीक्रेट होता है और उन्हीं के कारण एक्शन पोटेंशियल जर्मिनेट होता है दोस्तों। एक्शन पोटेंशियल जो होता है प्री सिनेप्टिक टर्मिनल पर पहुंचता है, ये प्री सिनेप्टिक टर्मिनल है, यहाँ पर पहुंच गया दोस्तों, जिसके कारण इस टर्मिनल्स के जो वेसिकल्स है, जो इनके वहां पर वेसिकल्स होते हैं छोटे छोटे नर्व एंडिंग्स के लेवल पर लोबल्स होते हैं जहां पर न्यूरोट्रांसमीटर भरे होते हैं, याद रखना दोस्तों, इस टर्मिनल्स के वेसिकल से न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंसेस का रिलीज होता है और ये न्यूरोट्रांसमीटर इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट के माध्यम से पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन तक पहुंचता है। यही प्री से
पोस्ट में जाएगा, इसकी पूरा केमिकल फिनोमेना में कल बताऊंगा दोस्तों, यहां से फ्री से वेसिकल निकले, इन वेसिकल से न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंसेस निकले, वो न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंसेस जब फ्री से पोस्टसिनेप्टिक में जाएगा दोस्तों, उसी के माध्यम से पोटेंशियल चेंजेस के प्रोडक्शन को कॉज करता है, यानी यहां पर एक्शन पोटेंशियल यहां से जो आया उसकी स्ट्रेंथ जो होती है यहां पर आकर बदल जाती है, इसलिए ये एक्शन पोटेंशियल दोस्तों थोड़ी सी देर रुककर डिले को डेवलप करके आता है, केमिकल के रूप में जो ट्रांसमिशन हो रहा है उसकी तुलना में यहां पर ये केमिकल सिनेप्सिस का जो आपको पूरा प्रोसेस नजर आ रहा है ये आपके लेवल पर जो इलेक्ट्रिकल चेंजेस में आपने देखा था उससे थोड़ा डिले होता है लेकिन स्ट्रांग होता है, इसलिए केमिकल सिनेप्सिस आपके पूरी बॉडी के लेवल पर जहां जहां वर्क करता है दोस्तों वो बहुत स्पेशली वर्क आपको देखने को करता है, और इसीलिए इसका पूरा डिटेल में कल आपको एक बार फिर से बताऊंगा केमिकल सिनेप्सिस के एनाटॉमिकली फंक्शन के साथ में दोस्तों। तो आज हम यही रखते हैं, यदि आप में से किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। यदि आप में से किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो दोस्तों। कोई क्वेश्चन है? लाइट बंद हो गई है, मैं क्लोज करूं। जी माली सर, जी माली सर, माली सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। ते लेक में ऐसे ते चलते चलते तो वो मुंगे आता है, ते क्या क्या प्रॉब्लम है उसका? सर हिंदी में बात कीजिए। नहीं नहीं ऐसे तो जनजन आते ना ते लेग में। हाँ हाँ, तो प्रॉब्लम क्या है उसको? तो एकदम ऐसे पांव तो उठाना ही आता है, जड़ होता है। ये नर्व वीकनेस के लेवल पर हो रहा है ना सर? नर्व का न्यूट्रिशन दे दो आप। हाँ वो तो दे दो, ठीक हो जाएगा। यही तो सिनेप्सिस का लेवल डेवलप हो रहा है आपका, यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ओके ओके सर जी। श्याम सुंदर तिवारी जी, डॉक्टर श्याम जी। सर सर एक विनती है, जैसे आज कार्पल टनल सिंड्रोम हुआ है जी, डाउन सिंड्रोम भी हो जाए एक आध बार। सर डाउन सिंड्रोम यहाँ पर कहाँ से हो जाएगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाइज चलने दीजिए आप जी। राकेश सर, राकेश सर, सर गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। इसमें एक चीज पूछ रहा था, जैसे ये सीटी इसमें अपना को कहीं बर्बन बर्बन की जरूरत पड़ेगी क्या सर? टेंडन इसमें ये इसमें सर ये कार्पल टनल सिंड्रोम में अपने को बर्बन की जरूरत पड़ेगी क्या? ये टेंडन पे कभी ज्यादा इफेक्ट आ रहा है उसके कारण? सर बिल्कुल नहीं पड़ेगी, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है, बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। ठीक है, बहुत जल्दी जी, जी सर। इसलिए बर्बन की मुझे तो आज तक जरूरत नहीं पड़ी सर, मैंने यूज ही नहीं किया बर्बन अभी तक। जी जी, ट्राई जरूर करूंगा लेकिन मैंने अभी तक यूज नहीं किया सर। जी सर जी। जी कोरी सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग
सर ये जो नर्व्स होते हैं, नर्वस सिस्टम जो हमारा होता है, इसके इसमें जो फ्लो जो न्यूट्रिएंट्स या लिक्विड जो जो स्त्राव होता है वो सिर्फ सोडियम अकेला होता है, सर सोडियम के साथ क्लोराइड भी होता है इसमें। सर अभी आएगा, वेट करो आप, ओके देखने को मिलेगी, आप आगे आगे मत चलो, सब चीजें मैं बता रहा हूं। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है दोस्तों, आज यही रखते हैं हम लोग। ओके सर।